हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं एमएस वर्ड में, तो उसके लिए आपको पहले बॉर्डर फाइंड करना पड़ेगा। बॉर्डर फाइंड करने के लिए आपको डिज़ाइन में जाना पड़ेगा। डिज़ाइन में जाने के बाद आपको बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में मिलेगा पेज बॉर्डर। आपको पेज बॉर्डर पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके पास लाइन्स आ जाएंगी, आपको चूज़ करना है। लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी अगर सारे बॉर्डर्स लेंगे तो इसके लिए मैं एक ही बॉर्डर ले रहा हूँ, एक ही लाइन ले रहा हूँ। और इसके बाद आप एक बार बॉक्स पर क्लिक कर देंगे ताकि चारों तरफ आपके आ जाएगा जो आपका पेज है। उसके बाद मैं आपको क्लिक ओके कर देता हूँ। अब देखिए ये अट्रैक्टिव हो गया, ये ज़्यादातर प्रेजेंटेशन वगैरह के काम आता है। उसके बाद मैं दूसरा ऑप्शन लूँगा, मान लीजिए इसको आपको थिक करना है, मान लीजिए इसमें आपको लाइंस लानी है, मान लीजिए ट्रिपल लाइन, तो आप ट्रिपल लाइन भी ला सकते हैं इसको क्लिक करके और उसको ओके कर दीजिए। ये आ गई आपकी ट्रिपल लाइन। अब आप उसको थोड़ा सा और एडजस्ट करना चाहते हैं ताकि अट्रैक्ट लगने के लिए मान लीजिए कोई कलर डालना चाहिए, तो कलर डालने के लिए आप इसमें एक ऑप्शन आपको दिख रहा है कलर का, इसमें आप क्लिक करिए। आप कोई भी कलर चूज़ कर लीजिए, मान लीजिए मैं ये रेड वाला कलर ले लेता हूँ और उसके बाद ओके कर देता हूँ। आप देखिए कलर चेंज हो गया। नेक्स्ट हम दोबारा पेज बॉर्डर में जाएंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे बॉर्डर को, जैसे मान लीजिए कोई कार्ड बनाना हो, मोर अट्रैक्टिव बनाना हो, तो ये नीचे जो ऑप्शन आपको आर्ट वाला दिख रहा है इसमें मैं थर्ड ऑप्शन चूज़ करूँगा। उसके बाद फिर मैं इसको ओके कर दूँगा। तो ये आप देख लीजिए किस तरीके से इस आर्ट का ये चारों तरफ का जो बॉर्डर है ये आ गया है। तो होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको ये बॉर्डर पेज जो है ये आपको बनाना है।